नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर जया गुप्ता, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वर्किंग इन हीलिंग टच आई केयर सेंटर, विश टू कन्वे यू सम फैक्ट्स मिथ्स रिगार्डिंग म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस एज यू कॉमनली सी एंड हियर ऑन सोशल मीडिया. आई एम जॉइंड बाय माय ईएनटी कलीग डॉक्टर करुणा गुप्ता. नमस्कार. तो सबसे पहले आजकल ओपीडी में ऐसे बहुत कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स आ रहे हैं वरिड एंड एंशियस अबाउट ब्लैक फंगस. सबसे पहले प्लीज घबराए नहीं. द इंसिडेंस ऑफ म्यूकर माइकोसिस इज 1 in 1000 इन एडमिटेड पेशेंट्स एंड 1 in 20,000 इन पीसीआर पॉजिटिव कोविड 19 पेशेंट्स. कुछ डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक डायबिटीज, पेशेंट्स ऑन ओरल स्टेरॉइड्स या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हैं, लॉन्ग टाइम प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन दिया गया है, एल्डरली पेशेंट्स ऑन स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स जैसे कि टॉक्लिज़ुमैब एटसेट्रा. सो दीज पेशेंट्स आर मोर एट रिस्क टू डेवलपिंग दिस म्यूकर माइकोसिस. हाउएवर आजकल हम लोग यंग पेशेंट्स होम केयर और नो आइसोलेट मतलब होम केयर आइसोलेशन में है या फिर मिनिमल और नो स्टेरॉइड्स, इनको भी वी आर सीइंग देम विद सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, व्हेन डू वी सस्पेक्ट म्यूकरमाइकोसिस? वी सी देम आइदर इन पेशेंट्स हैविंग एक्टिव कोविड या फिर पेशेंट्स हु हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, एंड देन ऑल्सो वी आर सीइंग देम एंड वी कैन सी इट इवन आफ्टर 3 months फॉलोइंग रिकवरी, राइट? सो फॉलोइंग 3 months फॉलोइंग रिकवरी ऑल्सो वी कैन सी देम. So what are the symptoms? मतलब what are the things that you will notice? You may notice persistent nasal discharge, bad odor, stuffiness, या फिर facial pain, आंखों के आसपास pain, पलकें छुपी छुपी सी रह सकती हैं, ptosis जिसको कहते हैं, या proptosis, दिस इज आंख बिल्कुल बाहर की तरफ, a red congested eye, और blurred vision, या फिर बिल्कुल ही नजर खत्म हो गई, आंखों का मूवमेंट्स, आंखें जो आपकी इधर दाएं बाएं जैसे मूव करती हैं, यू विल नोटिस रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर मोटिलिटी, और यू मे नोटिस टूथेक, पेन इन द टीथ, या फिर मुंह में ऊपर की तरफ कोई ब्लैकिश डिस्कलरेशन, अदरवाइज फीवर, कॉफ, एनी ऑफ द प्रीवियस साइंस लाइक सांस लेने में दिक्कत, ये सब सिम्टम्स अगर हो तो प्लीज टेक एन ऑप्थल्मोलॉजी और एन ENT कंसल्ट. So my ENT colleague will further explain you what are the things that they do in the ENT examination. अभी जैसे कि डॉक्टर जया ने आपको बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं, जो पहले सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं साइनसाइटिस के, चीक्स के ऊपर पेन होना, आईज के आसपास पेन होना, अंदर तालू के ऊपर पेन होना और दांतों पे पेन होना, जो कि इग्नोर हो जाते हैं. तो प्लीज जिसको भी ये सिम्टम्स हैं, एटलीस्ट एक ENT चेकअप के लिए आए, सो दैट वी कैन बी श्योर कि मतलब वी कैन जस्ट रूल आउट कि है तो नहीं स्टार्टिंग स्टेजेस में ही. पहली चीज ये हुई. बाकी जो मैम ने सिम्टम्स बताए, दे आर दी सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस. अब अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस सस्पेक्टेड है तो वो ENT क्लिनिक में चेकअप के लिए आते हैं. हम लोग थरो ENT चेकअप करते हैं जिसमें कि नाक में एंडोस्कोप डाल के दूरबीन से जांच करते हैं ताकि अंदर के हम चीजें देख सके, अंदर कुछ ब्लैकनिंग तो नहीं हुई, कुछ डिस्चार्ज तो नहीं है, कुछ पस तो नहीं है. हो सकता है आपको कोविड के बाद नॉर्मल साइनसाइटिस ही हो, मे बी इट इज नॉट ब्लैक फंगस, इट इज ओनली साइनसाइटिस विच इज प्रेजेंटिंग एज साइनसाइट विद दीज पेन्स टू अस. ठीक है, सबसे पहले एंडोस्कोपी में अगर हमें कुछ डाउटफुल एरिया लगता है तो हम CT स्कैन या फिर MRI कराते हैं. फिर उस पे अगर कुछ सस्पिशियस लगता है तो हम पेशेंट का KOH स्मियर भेजते हैं नाक में से लेके. डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स, हमें अगर पेशेंट के साइनसेस में बहुत ज्यादा सिक्रीशंस है या बहुत ज्यादा टिश्यूज है तो हमें सर्जरी के लिए पेशेंट को लेके जो साइनसिस के अंदर भरा हुआ है उसको निकालना पड़ता है. वो निकाल के हम उसको जांच के लिए भेजते हैं, जो बायोप्सी रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है. उसकी जब रिपोर्ट आ जाती है उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं. अगर उसमें म्यूकोमाइकोसिस पॉजिटिव आता है तो
तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एम्फोटेरिसिन बी एज यू ऑल नो। अगर एम्फोटेरिसिन बी की जरूरत नहीं है, वेसल्स के अंदर ये डिजीज नहीं गई है, तो हम कोसाफोनाजोल का सिरप या फिर टैबलेट पेशेंट्स को देते हैं, और एक और अल्टरनेटिव है इसुवोकोनाजोल। सो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, कितना एग्रेसिव है डिजीज, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसके हिसाब से हम डिब्राइडमेंट करते हैं। हो सकता है हमें सिर्फ साइनसिस का ही डिब्राइडमेंट करना पड़े, अगर तालू इन्वॉल्व हो जाता है तो तालू भी निकालना पड़ सकता है। आई में इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो आई सर्जन होते हैं वो आई निकाल देते हैं, बट दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल एक्सेंटरी। उम्मीद करते हैं इस इंफॉर्मेशन से आपको इस नए बीमारी दो जो भी आपके मन में चिंताएं या वरीज हैं रिगार्डिंग दिस डिजीज वो दूर हो गई होंगी। एंड स्टे सेफ।